वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक GTA 5 जैसा ही दिखने वाला गेम। अरे रे रे, मैं तो गिर गया। तो भी मैं कह रहा था, तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक GTA 5 जैसा ही दिखने वाला मोबाइल गेम। और इसमें मैंने एक चैलेंज को लिया हूँ जिसे आज मैं पूरा करने वाला हूँ। वो चैलेंज को मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले तो हम अपनी ये टोयोटा फॉर्चुनर के ऊपर बैठ जाते हैं, जो कि हाँ ये इंडियन कार जैसा ही है, बिल्कुल से हू पर हू सेम टू सेम है। अभी जल्दी से इसमें हम बैठ जाते हैं। अभी हम इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और इसको जल्दी से लेकर निकल लेते हैं उस चैलेंज की तरफ। ठीक है, यहाँ से मुझे सिर्फ लेफ्ट की तरफ लेने का है। ओ, और यहाँ से बस ही ऐसा लेफ्ट मारने का है मुझे। अरे यार, गलती से मैं बाहर ही आ गया। हेलो, ग्लिच के चलते मैं अंदर भी फंस चुका हूँ। उस तरीके बस ये मारना नहीं, उस तरीके इतना ऊंचाई से बच गया, ये क्या था? मेरी गाड़ी तो टूट फूट गई है मेरे ही गिरने के वजह से। ये पीछे वाला ढक्कन है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, जो भी है ये यहाँ पर आके गिर गया। सॉरी गाइस, एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसी भी है गाड़ी, लेकिन चल रही है अभी तक। इसका अंदर का व्यू भी अच्छा है, लेकिन निकल लेते हैं अभी हम अपने मंजिल पे। लेकिन ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ बना के रखा हुआ है गेम मेकर ने, लेकिन ये रही मेरी मंजिल जहाँ पर मुझे जाना था। आपको एक बार स्टेशन का नाम भी दिखा देता हूँ, कौन सा स्टेशन है। तो अभी ये स्टेशन है कल्याण। आप यहाँ पर गए हो या फिर नहीं, वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। आप सब लोग शायद से थोड़ा थोड़ा सा तो समझ ही चुके होंगे कि मैं अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। अगर आप समझ चुके हो तो फिर जल्दी से मुझे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं अभी ट्रेन क्रैश करने वाला हूँ, वो भी इन सभी व्हीकल के साथ। सभी के सभी 4 व्हीलर्स रहेंगे, 2 व्हीलर एक भी नहीं रहेगा। तो फिर मैं जो सबसे पहले गाड़ी बुलाने जा रहा हूँ, उस गाड़ी का नाम है सुपरा। जल्दी से मैं इस सुपरा को निकाल देता हूँ। उसका नंबर है 2244। ये रही अपनी टोयोटा सुपरा। MK4 है कि MK5 है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इतना भी मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। अभी जल्दी से मैं और एक दो गाड़ियों को बुला लेता हूँ। एक बार इसको इसका सेकंड लुक आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा दो ट्रक, थार, फरारी, लम्बोगनी, बुगाटी और भी एक्सेट्रा। अब सीधा निकल देते हैं जल्दी 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 इस ट्रेन के पास। रुक जा भैया, थोड़ा सा रफ्तार कम कर ले। कल्याण स्टेशन से अभी मैं निकलने वाला हूँ। रुक, हाँ ये रहा हमारा कल्याण स्टेशन और ये रहा हमारा इंडियन ट्रेन। अब इंडियन ट्रेन में ज़्यादा ताकत है या फिर इन कार्स में, जल्दी से हम देख लेते हैं। पहले हॉर्न मार लेते हैं। हॉर्न मारते ही हम निकल चुके हैं। ट्रेन बहुत अच्छे से हिल रही है। हमारी सबसे पहली कार हमारे सामने दिख रही है, वो है सुपरा। सुपरा टिक पाएगा? अरे सुपरा तो चटनी हो गया।
सारे के सारे कार्स व्हीकल्स सब ऐसे की तैसी हो गई। अरे अरे अरे, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक गाड़ी का तो टुकड़ा पड़ा हुई है। मैं जल्दी से यहाँ से साइकिल निकाल लेता हूँ। साइकिल ये इस गेम में थोड़ा सा तेज भी चलता है और प्लस ये अच्छा भी है, जल्दी रुक भी जाता है। यहाँ पर एक फरारी है कि पता नहीं कौन सी गाड़ी है। अरे इसकी तो इस बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। इस गाड़ी के तो रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर पता नहीं कौन सी एक गाड़ी का बोनेट है कि पता नहीं क्या है। अच्छा ये तो आगे वाला हिस्सा है। ओ ठीक है, यहाँ पर है पूरा कब्रिस्तान गाड़ियों का, फरारी, लैम्बोर्गिनी, सब। पोर्शे, पोर्शे सामने दिख रही है और ये है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी बनने लायक के तो हालत में है ही, सिर्फ दो ही दरवाजा इसका गया है और नीचे का हिस्सा। पोर्शे में तो ज़्यादा टाइम जाएगा और पैसे भी जाएगा, पोर्शे तो नहीं बिकने वाला और नहीं बनने वाला। अभी जो जो गाड़ियाँ बच चुकी है इन सबको ना मैं अभी ब्लास्ट करने वाला हूँ। ये रही हमारी और आपकी सबसे फेवरेट कार टार्जन। इसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, खुला है बेचारा, बंद हो गया। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कर देंगे बाद में। ये रही एक और पोर्शे, बुगाटी। बुगाटी के तो चीथड़े उड़ गए सब जगह, इसका टुकड़े टुकड़े पीछे पड़े हैं। और यहाँ पर मस्टैंग को तो देखो, ये क्या हालत हो गया। और ये रह गई हमारी फरारी। इसके इसके ऊपर नहीं चढ़ाना था बेचारा, वैसे भी हालत इसकी टाइट है। और भी पीछे की तरफ एक दो कार्स है, उसको भी देख लेते एक बारी। ये रही अपनी फेवरेट सुपरा, सुपरा की तो ऐसी की तैसी हो गई। इसका जल्दी से निकल के देख लेता हूँ। सुपरा अगर चलने लायक की होगी तो फिर इसका छोड़ दूंगा, बाकी सबको मैं उड़ा दूंगा। सुपरा मैंने एक बार भी नहीं चलाया था इस गेम में। चलो चलो, ये तो चल रही है, इसको मैं बचा लूंगा। हाँ, इसको नहीं फोड़ने वाला। अब बारी आती है थोड़ी सी गोले बारूद की, रेड वाली कार को। अरे निशाना कच्चा है मेरा। ठीक है, रेड वाली तो चली गई, अब वाइट वाली की बारी। वहाँ पर और भी कुछ कार्स हैं, नहीं फूटा कोई बात नहीं। अपनी सुपरा कब काम आएगी, हम सुपरा में बैठ के जाएंगे कार्स को फोड़ने। अब बारी आती है इन सभी की, इन सबको भी मैं उसी तरीके से फोड़ूंगा। ये रहा हमारा लॉन्चर, अभी उस ग्रीन वाली को फोड़ते हैं, अभी इस वाइट वाली को। पोर्शे भी गया, सुपरा भी गया, और ये पता नहीं कौन सी थी, शायद से बुगाटी थी। बुगाटी भी गया, ट्रोन बाइक भी गया। ओ टार्जन भाई सब बचे हुए, टार्जन भी गया। मेरी गेम लैग होने लग गई। अरे यहाँ से मैं उन दोनों गाड़ियों को फोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से उतर चुका हूँ। अब बारी है इस ट्रेन की, देखता हूँ ये ट्रेन फूटता है क्या। ठीक है, ट्रेन तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ट्रेन भाई साहब तो फूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ट्रेन तो फूट ही नहीं रहा, उल्टा मेरा गेम लैग हो रहा है। इंजन पे मारता हूँ, इसके टायर पे मार रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा।
शायद से यहाँ पर फ्यूल हो रहा होगा, यहाँ पर मारता हूँ, कुछ नहीं हो रहा इंडियन ट्रेन को। इसका मतलब कि असली विजेता है इंडियन ट्रेन। इंडियन ट्रेन इज द बेस्ट ट्रेन। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जल्द से कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाते रहूँ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।